Morning, everyone. Let's start with the Python program. So today I will cover networking in Python L1. आज मैं आपको बताऊंगा कैसे networking का use करते हैं Python में और एक Python का program कराने जा रहा हूँ जिसमें हम read करेंगे पूरे source code को web page के through. तो जो भी web page आप use करते हो, जो भी आप देखते हो, उसका source code कैसे हम read out कर सकेंगे Python के through. ऐसे तो आप वहाँ पर जाके व्यू पे जाके देख सकते हो सोर्स कोड, लेकिन अगर हमें पाइथन के थ्रू करना है तो फिर हम कैसे करेंगे, तो वो कोड मैं आपको आज बताऊंगा करके, और आप भी उसको करके देखिए आइडियली. सो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल, प्लीज ओपन योर आईडी एली एंड पाइथन, राइट. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रीडिंग कैसे करेंगे सोर्स कोड की, है ना. किसी भी वेब पेज ले लो आप, python.org yahoo.com कोई भी ले लें आप वेबसाइट, राइट. अब हम क्या करेंगे, अगर हम उसका URL जानते हैं, राइट, URL हर एक वेबसाइट का होता है वो आपको मालूम ही है, उस URL कोड URL के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस कोड उसके पेज पे जाके उसको कोड को हम रीड कर सकते हैं, राइट. सो इट इज़ पॉसिबल टू गेट द सोर्स कोड ऑफ द वेब पेजेस, राइट, विद द हेल्प ऑफ URL ओपन फंक्शंस. सो इट इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज अवेलेबल इन पाइथन. दिस फंक्शन बिलोंग्स टू URL lib.request module, राइट. इस मॉड्यूल में आपको मिल जाता है ये फंक्शन URL lib.request. जब भी हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं URL के उस वेब पेज का, वहाँ पर हम कोड में, तो ये फंक्शन क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है पूरे सोर्स कोड को, और सोर्स कोड को स्टोर करके क्या करता है, वो उसको फाइल में स्टोर करता है और रिटर्न कर देता है. तो मैं आपके यहाँ पर लिखूंगा फाइल इक्वल टू URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल ओपन और उस वेबसाइट का पूरा एड्रेस, जैसे कि https://www.yahoo.com, राइट. अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, आप देखिए कैसे जो है आइडियली आप ओपन कर लो, ठीक है. मैं आइडियली यहाँ पर नई आइडियली ओपन कर लेता हूँ, देखिए ये ओपन कर ली मैंने आइडियली. नाउ एक फाइल हम ओपन कर लेते हैं, अगर किसी को मिस कर दिया है मेरा लेक्चर, या फिर कैसे हम आइडियली में काम करते हैं, कैसे हम न्यू फाइल ओपन करते हैं, कैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड कहाँ से करते हैं, कौन सी वेबसाइट से करते हैं पैथन को, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसमें. नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट. तो सबसे पहले हम इम्पोर्ट करा देते हैं, इम्पोर्ट URL, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था URL lib, राइट, डॉट रिक्वेस्ट, ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर टाइप. तो मैंने आपको बता दिया था इस वीडियो में कि स्टार्टिंग में URL lib डॉट रिक्वेस्ट क्या कराता है. तो URL lib डॉट रिक्वेस्ट जो होगा वो एक जो है पूरा का पूरा हमने इम्पोर्ट कराया उस पैकेज को, उस फंक्शन को, और फिर हम क्या करा रहे हैं उस वेब पेज के URL के थ्रू उस वेब पेज के कोड को हम सोर्स कोड को हम रीड करा रहे हैं, राइट. तो ये जो URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन होगा, है ना, वो मैं यहाँ पर अब लिखने जा रहा हूँ, उसके थ्रू हम क्या करेंगे उस वेब पेज के सोर्स कोड को हम ओपन करेंगे. तो एक आर एक हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें हम URL, जिसमें हम इसको हम स्टोर कराएंगे URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन, ठीक है. अब मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, जैसे कि मान लो http लिखते ही आप लोग डबल स्लैश देते ही हैं, फिर हम www.python.org ये मैंने दे दिया. अभी ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट में इसको हमने क्या किया है, एक वेरिएबल में इसको हमने स्टोर कराया. अब उसको हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लिया और जिसमें हमने एक r डॉट रीड करके फंक्शन लिया और मैंने रीड कराने का एक फंक्शन यहाँ पर दे दिया है. अब प्रिंट करा दूंगा मैं किसको, आर को नहीं कराऊंगा, एस को कराऊंगा, क्योंकि एस में मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है, राइट. तो प्रिंट एस. अब हम यहाँ पर एक सेव कर लेते हैं फाइल को, सेव आप एक ही फोल्डर पे करो जिससे आपको याद रहेगा हमेशा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैं भी एक फोल्डर बना के और पाइथन में एक फाइल बना लेता हूँ जिसमें मैं जैसे कि नेटवर्किंग कर रहा हूँ, तो नेटवर्किंग में सोर्स कोड को ओपन कर रहा हूँ, तो सोर्स कोड रीड डॉट पी वाई इस नाम से मैं बना लेता हूँ. अब इसको मैं रन करके देखता हूँ,
स्क्वीजेस टेक्स्ट 311 लाइन का ये पूरा कोड है, ये देखिए। ठीक है, तो ये सारा जो कोड था सोर्स कोड का, अब हमने सक्सेसफुली रीड कर लिया है। किसी को भी सोर्स कोड देखने की जरूरत पड़े, पाइथन के थ्रू आप करें राइट, और सोर्स कोड को पूरा ओपन कर सकते हैं राइट। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हो डायरेक्टली राइट, मैं उसको क्लियर करूंगा वहां पर। थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें, और भी नए नए वीडियो मैं आपके लिए पैथन में लाऊंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।